नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबरें। लोकल खबरें में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से वागीश कुमार की खास खबर पर आइए एक नजर डालते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पुत्र भगवान कुश की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। इस दौरान लोगों ने भगवान कुश की यात्रा निकाली और जिले का नाम वापस कुश भवनपुर रखने की आवाज उठाई। अयोध्या और प्रयाग के बाद अब सुल्तानपुर जिले का नाम कुश भवनपुर रखने की कवायद तेज हो चुकी है। इसके लिए बकायदा अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज भगवान कुश की जयंती पर जिले के सीताकुंड घाट से कुश यात्रा निकाली गई, जो नगर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए रामलीला मैदान में जाकर समाप्त हुई। मान्यता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पुत्र भगवान कुश ने इस जिले को बसाया था और इन्हीं के नाम पर इनका नाम पहले कुश भवनपुर हुआ करता था, लेकिन पूर्व में इसका नाम बदलकर सुल्तानपुर कर दिया गया। इसी को लेकर यह आज शोभा यात्रा निकाली गई और जिले का नाम बदलकर कुश भवनपुर रखने की मांग की गई। जिले का नाम कुश भवनपुर रखने के लिए अखिल भारतीय युवा एकता संघ MD ग्रुप, युवा शक्ति, कुश भवनपुर उत्थान समिति और अन्य कई संगठनों ने भगवान कुश की शोभा यात्रा निकाली। आइए सुनते हैं इस विषय पर लोगों का क्या कहना है। आज जो कुश भवनपुर पवन यात्रा है, जैसा कि आपको बताया गया था कि सुल्तानपुर ये नाम है, ये गुलामी का प्रतीक है। आक्रमणकारियों ने इसका नाम चेंज कर दिया था, सुल्तानपुर रख दिया था। इसका वास्तविक नाम इतिहास के पन्नों में भी लिखा हुआ है, कुश भवनपुर था। तो उस कुश भवनपुर की मांग को लेकर अखिल भारतीय युवा एकता संघ, मैं राष्ट्रीय संरक्षक, राष्ट्रीय अध्यक्ष, MD ग्रुप, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये सब जो युवा जोश को एक साथ लेके एक मंच पे लेके मातृभूमि के लिए अपना सहयोग देना चाहते थे, ये अलख जगाने के लिए कि जो आवाज़ विधानसभा में उठी है उस आवाज़ को और प्रबलता देने के लिए हम लोग सब एक साथ मंच पे आए। आज यात्रा में 5 से 6 हज़ार युवा जोश की जो भीड़ थी, कुश भवनपुर उत्थान सेवा समिति के तत्वाधान से ये 4 वर्षों से हम लोग यात्रा करते आ रहे हैं, 5वां है। तो इसमें जितने युवा जोश हैं, जो मातृभूमि के लिए कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते हैं, वो सब एकत्र होकर एक साथ जुड़ना चाहते हैं निस्वार्थ भाव से। जो यहाँ का युवा है, यही एक इतिहास पलटेगा, क्योंकि युवा भारत तभी होगा जब सारे युवा मिलकर हर पदों पर युवा आसीन हो जाएंगे। हम लोग ये नहीं कहते हैं कि राजनीति करिए, हम लोग अराजनीतिक संस्थान हैं कि पढ़े लिखे सब जगह एडजस्ट हो, तभी तो एक युवा भारत आएगा। युवा भारत की जो संकल्प है, जब युवा एग्रेसिव होगा, युवा पढ़ेगा, एग्रेसिव मीन्स कि हम लोग पढ़ने में भी हैं, हम लोग यात्रा भी निकाल रहे हैं, लेकिन कहीं भी अराजकता नहीं फैली है। हाँ, हम लोग हिंदू धर्म से हैं, जय श्री राम कहते हैं, जय श्री राम की सारी संतानें हैं। थाईलैंड ले लीजिए आप, इंडोनेशिया ले लीजिए, वहाँ पे नोटों में राम जी का चित्र छपा हुआ है। वहाँ पे राष्ट्रीय ग्रंथ जो है थाईलैंड का, और रामचरितमानस रखा गया है। अभी योगी जी अयोध्या में कराए थे, तो वहाँ के सब आके रामलीला प्रस्तुत किए हैं अयोध्या घाट पर। ये कुश भवनपुर अगर फैजाबाद अपना जो है ये अयोध्या में हो सकता है नाम परिवर्तित, इलाहाबाद योगी गुलामी के जो प्रयागराज हो सकता है, उसी के आंचल में बसा हुआ ये सुल्तानपुर कुश भवनपुर क्यों नहीं हो सकता है? सुल्तानपुर हटाना है, सुल्तानपुर हटाना है। वंदे मातरम, वंदे मातरम।